चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। सरकार ने मिल मालिक ना साठ घाट कर ली, अके पेमेंट जब दो जब किसान टूट जा। हमारा तो घर में बैठा मंत्री सुरेश राणा और अब तक भुगतान नहीं है गन्ने का, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाता यकीन मायने दवाई लेने को भी पैसे नहीं। किसान दिमाग हो रहे खराब सारे विभागों के। हम अगर बिजली वालों कुछ कहे जाकर थाने में तहरीर देते हैं। हम मिल के गेट पर बैठेंगे कहेंगे जी मारे तो गेट हला ना कब्जा पाट दिया। हम बैठते ही नहीं, हम थाने में बैठे वह कहीं नहीं जाते। तारी निगरानी में तभी बुला उन्हें, क्योंकि मुकदमा तो यही लिखे फिर हमारे खिलाफ। उन्हें बुलवा का हमारा हिसाब किताब जुड़वाए दो पहले। और इतना हिसाब नहीं होता, इतना हम यहाँ से जाते नहीं, हम रहेंगे यही। के केंद्र या प्रदेश सरकार दोनों ही इस वक्त किसान विरोधी हो चुकी है, क्योंकि जो सरकारें हैं ये वादा तो करती हैं गन्ना पेमेंट देने का 14 दिन का, और उनकी मिल चार चार महीने भी गन्ने का पेमेंट नहीं करती, तो किसान कहाँ से अपना घर चलाए, कैसे अपना घर चलाए। प्रशासन की हठधर्मिता के खिलाफ हम यहाँ आए हैं। इन्होंने मतलब पूरी लूट मचा रखी, कोई सुनवाई नहीं हो रही, ना पेमेंट आ रहा किसानों को। मतलब अगर यहाँ आए, अगर किसान कोई अपनी बात रखे ये रिकॉर्डिंग कर लें और फिर उसका दुरुपयोग करें। ये सरकार की मोनोपॉलिसी है, जो लोग दो पर्ची चार पर्ची का इकट्ठा पेमेंट ले लेते, इन लोगों ने देखा कि भाई किसान तो खुशहाल हो रहा, गाड़ी मोटरसाइकिल ले ली, इन्हें तोड़ो। सरकार ने मिल मालिक ना साठ घाट कर ली, अके पेमेंट जब दो जब किसान टूट जा। थाने भवन मिल का पेमेंट 20 जनवरी का आया, अभी 5 महीने 10 दिन का पेमेंट बकाया है, और हर जिले का यही हाल है। हमारा तो घर में बैठा मंत्री सुरेश राणा और अब तक भुगतान नहीं है गन्ने का, तो इससे बड़ी शर्म की बात क्या होगी। परिवार पर सारा असर पड़ रहा है जी, बच्चे घर में बैठे हैं जी, उनकी फीस तक भी जमा नहीं कर पा रहे हम तो। अगर घर में कोई बीमार पड़ जाता यकीन मायने दवाई लेने को भी पैसे नहीं। हमारा तो रोजगार यू खेती का ही है और नहीं है, हमारा कोई दूसरा बिजनेस चल रहा है। तो किसान कैसे काम चला रहा है। किसान तो जी जब एक बार होता जब पानी सिर तक पर उतर जाए तो क्या करे, फांसी खा लगा, खुदकुशी कर लगा। किसान का दर्द किसान ही समझ सके नहीं, बाकी और कोई समझता नहीं। 2013 के दंगे के बाद एक खाई सी नजर आई थी किसानों में, हिंदू मुस्लिम से, क्या आज वो खाई खत्म हो गई। वो खाई बहुत पहले बढ़ चुकी थी। चौधरी राकेश टिकैत जी और चौधरी नरेश टिकैत जी, इन सब लोगों ने एक मीटिंग करके, उसमें हर धर्म के लोग थे, उस खाई को दूर करने का काम किया था। ये है कि जैसे गन्ना है तो गन्ने को डिजिटल इंडिया कैंपेन प्रधानमंत्री का पायलट प्रोजेक्ट है। हमने शुगर मिल में गन्ना डाला, हमारा गन्ने की वैरायटी, उसका रेट, उसका वेट, ये जैसे ही किसान गन्ना तोल कर अपने घर तक जाए तो ऑनलाइन उसका पेमेंट साथ के साथ विद इन उसका 10 मिनट में 15 मिनट में उसके अकाउंट में उसका पैसा जाना चाहिए। किसानों की जो मांगे हैं अगर वो पूरी नहीं हुई तो अब ये कब तक ये आंदोलन चलेगा। अब क्या पता कब तक चलेगा, अभी तो बैठे हुए हैं, अभी तो कोई बात करेगा नहीं करेगा। यहाँ बैठेंगे, जेल में जाएंगे, रेल में जाएंगे, कहाँ जाएंगे, अभी आगे का तो भविष्य करता तो कोई है नहीं भाई। यहाँ तो बैठे हुए हैं अपने डिमांड के लिए। तो सरकार से या प्रशासन से अभी तक कोई मिलने आया है आपसे? यहाँ तो कोई नहीं आ रहा, यहाँ तो कोई नहीं आ रहा।